हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी लोकेश चैनल में। तो ये आज हमारा टीपीए का फिफ्थ लेक्चर है, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन 14, 15, 16 एंड 17। सो देरी ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आता है सेक्शन 14, जो कि बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की। परपेचुइटी मतलब होता है ऐसा इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये रूल जो है अप्लाई मतलब अगेंस्ट है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। जैसे कि हम कब तक किसी प्रॉपर्टी को जो है रोक के रख सकते हैं, कब तक वो जो है प्रॉपर्टी किसके अंडर जो है नहीं आती, ठीक है, मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएगी वो प्रॉपर्टी, तो उस चीज़ की रूल्स की अगेंस्ट की बात करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर ए जो है किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है जेड को, तो वो अनलिमिटेड ईयर्स तक जो है वो प्रॉपर्टी किसी के पास जाएगी ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट जो बनाए हैं, ऐसा तो है नहीं वो कितना ही बना दे 10 लाख 20 लाख 30 लाख और वो प्रॉपर्टी जो है जेड जो है जो कई साल लग जाएंगे बॉर्न होने में, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उस चीज़ को जो है समाधान निकालता है हमारा सेक्शन 14 रूल अगेन परपेचुटी। जैसे कि ए जो है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है जेड को, जो कि क्या हमारा अनबॉर्न पर्सन है। अब ए को जो है प्रॉपर्टी जो है जेड को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या प्रायर लाइफ इंटरेस्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ज़रूरी है, जो कि हमने सेक्शन 13 के अंदर पढ़ा था कि प्रायर लाइफ इंटरेस्ट बना दोगे तो आप जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ए जो है कितने लाइफ इंटरेस्ट जो है क्रिएट कर सकता है, अनलिमिटेड कर सकता है, लेकिन क्या शर्त यह है कि वो जो है लाइफ इंटरेस्ट जो क्रिएट करेगा वो सिर्फ इतने ही क्रिएट कर सकता है जितने की जो है जब तक वो जो है अनबॉर्न पर्सन जो है जीवित नहीं हो जाता, और जो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट है वो जो है एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, जो कि हमने सेक्शन 13 के अंदर पढ़ा। तो ए जो है तब तक ही रोक के रख सकता है प्रॉपर्टी को जब तक एक तो जेड जो है मेजर नहीं हो जाता, और जो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट है जो लास्ट प्रायर लाइफ इंटरेस्ट है उसकी एज ख़त्म होने से पहले यानी कि डेथ होने से पहले वो जो है अनबॉर्न पर्सन जो है बॉर्न हो जाना चाहिए। ये हमारा कहता है सेक्शन 14। जब हम सेक्शन 14 को पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमें जो है ये दो फॉर्मूले निकल के आते हैं कि हम कब तक जो है किसी प्रॉपर्टी को रोक के रख सकते हैं। सबसे पहला आता है अपॉन द लाइफ ऑफ प्रायर लाइफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर ए जो है कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है अनबॉर्न पर्सन को, तो उसके लिए क्या जो वो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा उसकी लास्ट एज, यानी कि अगर ए मतलब जैसे कि बी सी और डी ये तीन लाइफ प्रायर लाइफ इंटरेस्ट बना दिए, तो जो लास्ट प्रायर लाइफ इंटरेस्ट है उसकी लास्ट एज तक और जब तक वो अनबॉर्न पर्सन जो है 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो जो है प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कोई भी। इन्जॉयमेंट तो कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी के लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि कब अनबॉर्न पर्सन के पास जो है वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, ठीक है, ट्रांसफ़र होगी। तो इसका आंसर आता है जब ए जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र करेगा, मतलब ए की जो प्रॉपर्टी है उस अनबॉर्न पर्सन जो है जब एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, तो वो सारे के सारे राइट जो है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो सारे के सारे राइट चले जाएंगे अनबॉर्न पर्सन के पास, लेकिन पजेशन जो है अनबॉर्न पर्सन के पास नहीं जाएगा। वो तभी जाएगा जो पजेशन के साथ साथ सेलिंग का जो राइट होता है या डिस्पोज ऑफ का जो राइट होता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो तभी जाएगा जब वो मेजर हो जाएगा यानी कि 18 साल हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला तो यही है कि जब तक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट के लास्ट जो हमारा प्रायर लाइफ इंटरेस्ट है उसकी एज, जैसे कि ये जो हमारा बी पर्सन था इसकी साल थी 2, सी पर्सन की साल थी 1 और डी पर्सन की साल थी 10 साल, ठीक है, जब प्रायर लाइफ इंटरेस्ट बनाया, बी के पास गया अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, सी के पास गया उसकी भी डेथ हो गई, तो डी के पास है। अब जब तक डी है जिंदा है तब तक क्या अनबॉर्न पर्सन बॉर्न हो जाना चाहिए, एक तो अगर बॉर्न नहीं होता तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ए के पास वापिस चली जाएगी, अगर ए जीवित नहीं है तो उसके लीगल हेयर्स के पास चली जाएगी, ठीक है। तो डी को जब तक डी जिंदा है तब तक अनबॉर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए, ठीक है, अगर डी जिंदा है, ठीक है, और वो एग्जिस्टेंस में आ गया तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग राइट तो उसके पास चले जाएंगे, मतलब जितना भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है वो सारा का सारा चला जाएगा अनबॉर्न पर्सन के पास, प्रॉपर्टी रहेगी डी के पास ही, पजेशन डी के पास ही रहेगा, लेकिन इन्जॉयमेंट के लिए। अब क्या है, डी के पास पजेशन है, डी जिंदा है, ठीक है, अनबॉर्न पर्सन जो है मेजर हो गया 18 साल हो गया, तो जब तक डी की जो है उम्र थी, जैसे कि डी की उम्र थी 25 साल जब वो अनबॉर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में आया प्लस 18 साल, तो ये जो हमारा उम्र निकल के आएगी तब तक वो पर्सन जो है उस प्रॉपर्टी को रोक के रख सकता है। जैसे कि जो उम्र निकल के आई हमारी
43 साल जो है ये हमारी उम्र निकल के आई। सेकंड फॉर्मूला ये है, अगर वो पर्सन जो है एग्जिस्टेंस में आने से पहले ही प्रायर लाइफ इंटरेस्ट की डेथ हो जाती है तो ऐसे में क्या होगा। तो ऐसे में जो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट की लास्ट उम्र है, जैसे कि डी की उम्र थी 25 साल, तो 25 साल ठीक है। अगर एग्जिस्टेंस में नहीं आया तो वो डी की जो प्रॉपर्टी है, मतलब डी के पास जो प्रॉपर्टी होगी जो कि ए की होगी, वो ए के पास ही वापस चली जाएगी। अगर वो जो है मतलब जीवित हो जाता है लेकिन माँ के पेट के अंदर ही है तो वो उम्र भी कैलकुलेट होगी, जैसे कि अभी बस आया ही है तो 9 महीने या 3 महीने बाकी हैं उसे आने में, तो वो 3 महीने अपॉन डिपेंड करता है वो मदर वोम के हिसाब से ठीक है, डेथ के हिसाब से कब वो हुआ। जैसे मान के चलिए वो 6 महीने का था पेट में और जो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट था लास्ट प्रायर इंटरेस्ट की डेथ हो जाती है तो बच्चे 3 महीने ले लिए जाएंगे, और जब तक वो 18 साल नहीं हो जाता तब तक जो है वो प्रॉपर्टी जो है हम रोक के रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 46 साल, तो हम 46 ईयर तक वो प्रॉपर्टी हम रोक के रख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, अनबोर्न पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, पैदा होते ही उसके पास इंटरेस्ट तो आ जाएगा जैसे वो एग्जिस्टेंस में आएगा, यानी कि वो उसने लाइफ जो है उसकी हो जाएगी तो वो जो है इंटरेस्ट उसके पास चला जाएगा, और 18 साल के बाद उसके पास क्या है पजेशन आ जाएगा और उसे क्या है वो सेल आउट भी कर सकता है तब 18 साल के बाद। तो ये था हमारे फॉर्मूले, अगर वो मतलब प्रायर लाइफ इंटरेस्ट जो है अगर वो जीवित है और वो 18 साल का हो जाता है तो तब तक रोक के रख सकता है, अगर वो जीवित होने से पहले प्रायर लास्ट जो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट है वो मर जाता है तो क्या है मदर वोम की एज तक और माइनॉरिटी तक, और उससे पहले ही जो है मदर वोम में नहीं आया और प्रायर लाइफ इंटरेस्ट जो है मर जाता है तो वो प्रॉपर्टी क्या है रिवर्ट बैक हो जाएगी जिसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी। अगर वो भी मर जाता है तो उसके लीगल हेयर्स के पास जो है वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। ये था हमारा सेक्शन 14। अब इसके अंदर आ जाते हैं कुछ हमारे एक्सेप्शंस, जो कि हम क्या है हम अनलिमिटेड टाइम तक जो है उस प्रॉपर्टी को रोक के रख सकते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, अगर कोई ऐसी ट्रांसफ़र की गई है जो कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए है तो क्या अनलिमिटेड टाइम तक जो है हम उस चीज़ को रोक के रख सकते हैं। जैसे कि हमारा ट्रस्टी होता है, हमने कोई ट्रस्ट में कुछ रुपये दान किए या कुछ भी प्रॉपर्टी जो है दान करी तो वो जो ट्रस्टी में गई प्रॉपर्टी है वो अनलिमिटेड टाइम तक उसे रोक के रख सकते हैं। अगला आता है हमारा पर्सनल एग्रीमेंट, अगर हमने कोई पर्सनल एग्रीमेंट पर कुछ चीज़ हमने करी है तो उसमें क्या हम अनलिमिटेड टाइम तक उसे प्रॉपर्टी को रोक के रख सकते हैं। जैसे कि हमने जो है एक मंदिर बनाया और मंदिर में क्या है पुजारी को अपॉइंट कर दिया जिसमें क्या है उसे बोल दिया गया कि ये प्रॉपर्टी आपके पास मतलब रहेगी और आप क्या मंदिर की देखभाल वेखभाल सब करोगे ठीक है, तो वो जब तक वो पंडित जो है जीवित रहेगा और जब तक भी उसका मन करेगा तो वो जो है वो प्रॉपर्टी जो है उसकी रहेगी, मतलब उसे अनलिमिटेड टाइम तक जो है उस प्रॉपर्टी को रोक के रह सकता है। लीज के केस में मॉर्गेज के केस में जो है वो एक्सेप्शन है रूल्स अगेन परपेचुटी का, मतलब वो प्रॉपर्टी जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी चला सकते हैं। प्रीएम्प्शन के राइट में क्या है वो प्रॉपर्टी जो है हम रोक के रह सकते हैं, जैसे कि प्रीएम्प्शन का राइट क्या होता है ये हमारी प्रॉपर्टी है बहुत लंबी चौड़ी। अब इसमें क्या है ए बी और सी जो है रहते हैं, इन्होंने तीनों ने क्या है मिलकर कोई प्रीएम्प्शन का राइट जो है साइन कर रखा ठीक है, तो इसमें क्या अगर कोई भी जो है प्रॉपर्टी सेल आउट करेगा जैसे कि बी जो है प्रॉपर्टी सेल आउट करेगा अपनी तो सबसे पहले क्या है ए और सी से कंसेंट लेनी पड़ेगी कि आप हमारी प्रॉपर्टी में इच्छित हो या नहीं। अगर दोनों मना कर देते हैं तो वो किसी और पर्सन को प्रॉपर्टी बेच सकता है, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी ने भी हाँ कर देते हैं तो उस पर्सन को क्या है प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। ये होता हमारा प्रिजम्पशन का राइट। इसमें कुछ हमारे एक्सटेंशियल एग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं सेक्शन 14 के अंदर। सबसे पहले क्या है देर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो है ट्रांसफर होना चाहिए। अनलिमिटेड बेनिफिशियल जो है यानी कि अनबोर्न पर्सन जो है वो होना चाहिए, उसके बेनिफिट में जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। प्रायर लाइफ इंटरेस्ट जो है होल्डर जो है वो जीवित होने चाहिए और वो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट इस मोटिव से बनाए चाहिए कि वो जो है प्रॉपर्टी अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफर करे। नेक्स्ट आता है अनबोर्न पर्सन मस्ट बी एग्जिस्टेंस, वो अनबोर्न पर्सन क्या है एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। प्रायर लाइफ इंटरेस्ट जब बनाए जाएंगे तो वो क्या है मतलब एग्जिस्टेंस में तो होगा नहीं, लेकिन क्या है जब तक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट जिंदा है तब तक क्या है उस अनबोर्न पर्सन का एग्जिस्टेंस में आना जरूरी है, या तो मदर वोम में वरना बर्थ हो जाए ठीक है। तो इसमें क्या है ये हमारे एसेंशियल एग्रीडेंट्स आ जाते हैं, चार एसेंशियल एग्रीडेंट्स जिसमें क्या है तभी हम जो है रूल्स अगेन परपेचुटी जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो है कब तक रोक के रह सकते हैं, तब तक जो है उस प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी वो पर्सन के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी।
अगला आता है हमारा सेक्शन 15 जो कि बात करता है ट्रांसफर टू क्लास सम ऑफ हुम कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14। ऐसा ट्रांसफर जो कि सेक्शन 13 और 14 की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ऐसे ट्रांसफर की ये बात करता है। ये कहता है अगर कोई भी ऐसा ट्रांसफर किया जाता है जो कि 13 और 14 की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि जो हमारा 13 कहता है वो हमारा बात करता है अनबोर्न पर्सन की, हम अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन 14 कहता है मेजोरिटी की, जब तक तो वो पर्सन जो है मेजर नहीं हो जाता तब तक जो है उस पर्सन के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। सेक्शन 13 अनबोर्न पर्सन एंड सेक्शन 14 मेजोरिटी की बात करता है। तो जब चीज़ अप्लाई होती है तो वो चीज़ क्या हमारी वैलिड होगी, लेकिन अगर कोई भी पर्सन उस चीज़ के अंतर्गत अप्लाई होता है जो कि 13 और 14 की रूल को जो है फॉलोअप करता है तो उस चीज़ के लिए क्या है उसके लिए कंडीशन क्या है वैलिड होंगी, वो ट्रांसफ़र उसके लिए वैलिड होगा लेकिन अदर्स के लिए इनवैलिड होगा। इसे हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई ए जो है अपनी एक्स प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ बच्चों के लिए, इसमें क्या ए बी सी डी और ई आर एफ ऐसे बच्चे हैं। ये कहता है ए क्या है प्रायर लाइफ इंटरेस्ट बना देता है एक्स और वाई को, ठीक है ये हमारी जेड प्रॉपर्टी है, एक्स और वाई को प्रायर लाइफ इंटरेस्ट बना देता है। अब वो ये कहता है कि आपके जीते जी जो है मतलब आपको प्रायर लाइफ इंटरेस्ट बना देता है और जो लाइफ लास्ट प्रायर लाइफ इंटरेस्ट होगा जो कि हमारा वाई होगा तो जब वो मरने की तादाद पे होगा तो क्या है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी उन बच्चों के लिए जो कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इस क्लास के अंतर्गत आते हैं। अब क्या है एक्स के पास प्रॉपर्टी गई और वो एक्स क्या मर गया किसी बाई चांस डेथ वेथ हो गई, वो प्रॉपर्टी चली गई वाई के पास क्योंकि दो लाइफ प्रायर इंटरेस्ट बनाए थे। अब वाई के पास जाने के बाद क्या है वाई भी डेथ हो गया। अब ये देखा जाएगा कि वाई की डेथ के बाद कौन पर्सन जो है मेजर हो गया, कौन जो है बॉर्न हो गया, मतलब कि एग्जिस्टेंस में आ गया, 13 और 14 की कैटेगरी के अंतर्गत आ गया, एक तो एग्जिस्टेंस में आ गया और मेजर हो गया। अब ये चीज़ देखी गई, अब देखा गया कि ए बी डी और सी जो है ए बी डी और ई जो है ये पर्सन जो है मेजर हो चुके हैं और एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं, तो ऐसे में क्या है जो हमारे ए बी ई डी जो है वो पर्सन जो है सिर्फ उन्हीं के पास प्रॉपर्टी जाएगी, बाकी जो रेस्ट है यानी कि सी और एफ जो है उनके पास प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। अगर ट्रांसफ़र कर दी जाती है तो वो प्रॉपर्टी जो है उनके लिए इनवैलिड होगी क्योंकि जो कंडीशन थी ए के द्वारा कि वो प्रॉपर्टी जो है तभी ट्रांसफ़र होगी जब वो एक तो एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे और मेजर हो जाएंगे, इन दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर लेंगे तभी वो प्रॉपर्टी जो है उन पर्सन के पास ट्रांसफ़र होगी। तो ये था हमारा एग्जांपल, हम इसे एक और एग्जांपल समझते हैं। ए ने ये किस कंडीशन के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का वादा किया प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करे 1, 2 और 3, ये तीन पर्सन हैं 1, 2, 3, इन्हें प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा और इन्हें कहा गया कि आप जो है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन के लिए क्या है प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर वो जो है जब तक जो है आप लास्ट प्रायर इंटरेस्ट जो है जब तक जीवित है तब तक क्या है वो एग्जिस्टेंस में आनी चाहिए और मेजर होनी चाहिए। अब ये देखा गया कि एक स्कूल के अंतर्गत बच्चों को सिलेक्ट किया गया और कोई क्लास तक रखा गया जैसे यूकेजी से एलकेजी तक ऐसा रखा गया या जो भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास डिपेंड करता है। अब उसमें क्या है ये बोला गया कि ये देखा जाएगा कि कौन पर्सन जो है एग्जिस्टेंस में आ गया और कौन पर्सन जो है मेजर हो चुका। जब इसमें सर्वे किया गया मतलब पहली ए पर्सन के पास गई प्रॉपर्टी, फिर सेकंड पर्सन के पास गई, फिर थर्ड पर्सन के पास गई, अब थर्ड पर्सन क्या मर गया। अब इसमें ये देखा गया कि कौन कौन पर्सन जो है एक तो एग्जिस्टेंस में आ गए और कौन कौन पर्सन जो है मेजर हो गए, जैसे कि 8th क्लास तक के बच्चों के लिए क्लास बनाई थी कि 8th क्लास तक बच्चे जो है मेजर होने चाहिए, मतलब 8th तो नहीं ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, इसे ले लेते हम 12th क्लास तक के बच्चों के लिए, जो भी 12th क्लास तक के बच्चों में एक तो मेजर हो जाएगा और एग्जिस्टेंस में आ जाएगा तो उन्हीं पर्सन के पास क्या प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र होगी। थर्ड पर्सन जो है जो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट था वो गया मर। अब उसके बाद गया ये देखा गया कि कौन कौन पर्सन जो है मेजर हो चुके हैं और एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं, तो एग्जिस्टेंस में तो आ ही गए होंगे भाई क्योंकि क्लास में पढ़ रहे हैं। अब ये आया निकल के एग्जिस्टेंस में इतने लोग निकल के आए और इतने लोग जो हैं मेजर हैं, सिर्फ इतने लोग जो हैं मेजर हैं यानी कि 6 लोग सिर्फ मेजर हैं, बाकी के 5 लोग जो हैं अभी माइनर है, तो सिर्फ 6 लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी वो वैलिड होगी, लेकिन अगर प्रॉपर्टी जो है जो अभी माइनर है उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या है इनवैलिड होगी क्योंकि कंडीशन का क्या है फुलफिलमेंट नहीं होता और ये कंडीशन कहीं ना कहीं 13 और 14 के अंतर्गत अप्लाई होती हैं।
तो ये सेक्शन 15 इसी चीज़ की बात करता है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर कोई क्लास हम बनाते हैं, लेकिन वो क्या है अगर 13 और 14 की कैटेगरी के अंदर फॉल होती है तो ऐसी चीज़ क्या है वो होगी हमारी इनवैलिड, मतलब उनके लिए क्या है ट्रांसफ़र इनवैलिड होगा। लेकिन अनदर पर्सन जो है क्लास के अंतर्गत उनके लिए क्या है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र वैलिड होगी। अब आता है हमारा सेक्शन 16 जो कि बात करता है ट्रांसफ़र टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट के फेल होने पे दूसरा इफेक्ट क्या है इफेक्ट में आना, मतलब ट्रांसफ़र जो है इफेक्ट में आना। जैसे कि ए ने ये कहा कि कोई एक्स प्रॉपर्टी है मैं ये ट्रांसफ़र कर दूंगा बी को इस शर्त के साथ अगर बी जो है डी से शादी कर लेता है, ठीक है मैरिज कर लेता है डी से, तब जो है मैं ये अपनी एक्स प्रॉपर्टी जो है वो बी को ट्रांसफ़र कर दूंगा। लेकिन अगर बी ऐसा नहीं करता तो ये जो मैं एक्स प्रॉपर्टी अपनी वो मैं कर दूंगा ट्रांसफ़र सी को। अब इसमें क्या है बी अगर शादी कर लेता है डी से तो वो एक्स प्रॉपर्टी चली जाएगी हमारी बी के पास, लेकिन अगर प्रायर इंटरेस्ट जो था बी का प्रायर इंटरेस्ट क्या था अगर वो शादी कर लेता, लेकिन अगर वो शादी नहीं करता तो वो चली जाएगी हमारी सी के पास प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 16 यही कहता है कि अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हो जाता है किसी चीज़ को परफॉर्म करने में तो क्या है हम दूसरे जो हमारा सेकेंड इंटरेस्ट है जो कि हमारा सी को ट्रांसफ़र करना था तो ऐसा इंटरेस्ट क्या है इफेक्ट में आ सकता है और वो इफेक्ट में जो आएगा वो हमारा वैलिड ट्रांसफ़र होगा, हमारा सेक्शन 16 कहता था। सेक्शन 17 कहता है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, या बोले तो रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन की बात करता है हमारा ये जो हमारा एक्यूमुलेशन का है, मतलब रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कुछ चीज़ इकट्ठा करना, तो जो हमारा सेक्शन 17 है वो इकट्ठा जो करने की बात करता है वो बात करता है हमारा इनकम की, ऐसी इनकम को इकट्ठा करना, मतलब हम कोई भी अगर हम इनकम जो है इकट्ठा करते हैं तो वो हम कब तक इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं बस इकट्ठा ही करते जाओ इकट्ठा करते जाओ यूज़ करे ही ना और कोई फ़ायदा ही ना होगा फिर तो भाई, अगर हम उस इनकम को जो है यूज़ ही ना करें सिर्फ इकट्ठे ही करते जाएँ तो कब तक जो है हम उस इनकम को रोक के रख सकते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है हमारा सेक्शन 17 से। तो हमारा सेक्शन 17 कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है इनकम जो है जनरेट हो रही है तो हम उसे कब तक रोक के रख सकते हैं यानी कब तक इकट्ठा करके रह सकते हैं। तो ये कहता है कि हम जो भी इनकम जो है जनरेट हो रही है कोई भी प्रॉपर्टी से तो या तो हम पूरी या उसकी कोई पार्टली पीरियड तक जो है हम रोक कर सकते हैं। इसमें हमारी दो चीज़ निकल के आती हैं ए और बी पॉइंट। इसमें कहता है जो भी ज़्यादा हो इनमें से तब तक हम उस चीज़ को हम रोक कर सकते हैं, लाइफ ऑफ द ट्रांसफर और पीरियड ऑफ 18 ईयर, पीरियड ऑफ 18 ईयर और लाइफ ऑफ द ट्रांसफर, ये दो चीज़ जो है अप्लाई करता है, तब तक जो है हम चीज़ को जो है रोक कर सकते हैं, अगर हम इससे ज़्यादा करते हैं तो वो चीज़ क्या है हमारी वॉइड होगी, ये हमारा सेक्शन 17 कहता है। जैसे कि हम एग्जांपल समझते हैं, एक हमारी एक्स प्रॉपर्टी है तो सबसे पहला तो लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर और 18 ईयर ऑफ द ट्रांसफरर, जो भी इस चीज़ में ज़्यादा है तब तक हम उस प्रॉपर्टी को रोक के रख सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कहना क्या चाहता है, जो हमारा सेक्शन 17 में हमने देखा तो जैसे कि कोई हमारी ये प्रॉपर्टी थी एक्स प्रॉपर्टी, अब ये ट्रांसफ़र की जानी थी वाई को, कंडीशन में ये था कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि ये प्रॉपर्टी जो है जो भी इसमें इनकम जनरेट होगी इस प्रॉपर्टी से एक्स प्रॉपर्टी जो भी जनरेट होगी वाई को तब तक मिलेगी इकट्ठा की जाएगी 1985 तक जो है उस प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफ़र है वो रोक के रखी जाएगी। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी गई 1960 को, कॉन्ट्रैक्ट बना और 1985 को जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र मतलब प्रॉपर्टी जो है रखी जाएगी जो भी उससे इनकम जनरेट होगी। ये हो गए हमारे टोटल 25 ईयर्स। अब ये प्रॉपर्टी जो है जो हमारा सेक्शन 17 कहता है या तो 18 साल या लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, जो भी ज़्यादा चल जाए तब तक हम उस प्रॉपर्टी को रोक कर सकते हैं। जैसे कि 1960 में ट्रांसफ़र करी और 1985 तक जो है प्रॉपर्टी चलनी थी 25 साल तक का टाइम है। अब हो सकता है एक्स की जो डेथ है जो प्रॉपर्टी एक्स की जो प्रॉपर्टी थी तो एक्स जो है वो उसकी पर्सन की डेथ हो जाती है 1969 में जो है डेथ हो जाती है 9 साल लीजिए है। तो अब इसमें ज़्यादा कौन सा है लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर 9 साल ज़्यादा है या 18 साल ज़्यादा है, तो ये चीज़ जो है देखी जाएगी। इसमें साफ पता चल रहा है 18 साल ज़्यादा है तो 18 साल तक जो है वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो है गैदरिंग ऑफ इनकम है सिर्फ वो 18 साल तक ही कर सकता है, यानी कि 1978 तक जो है वो उस प्रॉपर्टी की जो है गैदरिंग कर सकता है। अगर बाई चांस मान के चलिए जो ट्रांसफरर था उसने क्या है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी
उसने क्या है, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी 1960 में और वो जिया 1990 तक। तो भाई देखो कॉन्ट्रैक्ट था 1985 तक का और जिया 1990 तक, तो इसमें ज़्यादा तो भाई लाइफ ऑफ द ट्रांसफ़र ही है, तो इसमें क्या लाइफ ऑफ द ट्रांसफ़र कंसीडर किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कितना था, 25 साल का। अगर 25 साल से पहले ही जो है एक्सपायर हो जाता है तो उसमें 18 साल अप्लाई होगा, अगर 25 साल से ज़्यादा चल जाता है तो लाइफ ऑफ द ट्रांसफ़रर जो है अप्लाई होगा। ये था हमारा सेक्शन 17। इसमें हमारे रहते हैं एक्सेप्शन, किस चीज़ पे जो है अप्लाई नहीं होगा, गैदरिंग ऑफ वो जो है कोई पीरियड ऑफ टाइम तक जो है अप्लाई, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक जो है अप्लाई हो सकता है। पेमेंट ऑफ द डेब्ट, अगर कोई उधार है, अगर कोई सी प्रॉपर्टी जो है इनकम जनरेट होती है, रेंट जैसे कोई प्रॉपर्टी या हमारी एक्स प्रॉपर्टी है, इससे हमारा रेंट होता है 100 रुपये पर डे जो है, मतलब 100 रुपये पर मंथ जो है रेंट आता है, 100 रुपये पर मंथ आता है। अब कोई हमने लोन लिया था 1,000 रुपये या 20,000 रुपये जितना भी लिया था, तो हमें महीने टू महीने 100 रुपये जो है इकट्ठा करने हैं, तो ये जब तक रेंट जो है समाप्त नहीं हो जाता तब तक अनलिमिटेड टाइम तक जो है, जब तक रेंट समाप्त नहीं हो जाता तब तक जो है उस प्रॉपर्टी से अमाउंट जो है इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि लाइफ ऑफ द ट्रांसफ़रर या 18 साल, ये नहीं देखा जाएगा। अगला आता है पोर्शन ऑफ फोर चाइल्ड, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिससे क्या है कोई अमाउंट जनरेट होता है और वो क्या है उस पोर्शन से चाइल्ड की बेनिफिट की बात होती है, ये प्रॉपर्टी हमारी एक्स प्रॉपर्टी है। अब इससे क्या है हमारा डेली का 1,000 रुपये जो है डेली का इनकम जो है जनरेट होती है। अब ये शर्त के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था कि इस प्रॉपर्टी की जितनी भी इनकम है, जब तक हमारे बच्चे जो है 18 साल तक के नहीं हो जाते तब तक क्या जितना भी रेंट इससे आएगा वो सारा का सारा बच्चों की पढ़ाई के लिए होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या है वो जितना भी 1,000 साल, मतलब जब तक वो बच्चे 18 साल तक नहीं हो जाते या जो भी कॉन्ट्रैक्ट ही डिपेंड है, 25 साल भी हो सकता है या जब तक शादी नहीं जा सकती, तो तब तक जो है वो रेंट जो है उस प्रॉपर्टी से लिया जाएगा। इसमें भी ये नहीं है कि 18 साल देखी जाएगी कि ट्रांसफ़रर जिंदा है या नहीं या वो मर गया कि नहीं, तो जब तक जो मोटो था तब तक जो है वो चीज़ जो है अप्लाई होगी। मतलब अगर कोई पोर्शन से रेंट वेंट अप्लाई होता है तो वो जो है इकट्ठा कर सकते हैं मनी को फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड। प्रिवेंशन और मेंटेनेंस ऑफ द चाइल्ड, अगर कोई ऐसी जो है मेंटेनेंस की बात करी गई है कि उस प्रॉपर्टी से जो है जितना भी अमाउंट आएगा वो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए ही होगा, तो उससे क्या है जितना भी वो जो अमाउंट जो है वो मेंटेनेंस के लिए लिया जाएगा अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक, जब तक वो पर्सन जिसके लिए मेंटेनेंस अप्लाई किया गया है जब तक वो जिंदा है तब तक उस पर्सन को जो है उस प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 17। आई होप आपको हमारे सारे के सारे सेक्शन समझ में आ गए होंगे, 14, 15, 16, 17, मैं आशा करता हूँ समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपकी समस्या दूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।